और चलिए दनादन अंदाज में देखते हैं खबरें। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च शहर में अज्ञात हमलावरों ने दो मस्जिदों में गोलीबारी की, 49 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हैं। पहला हमला अलनूर मस्जिद में हुआ, दूसरा लिनवुड में। हमले के बाद शहर में दहशत है। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त बांग्लादेश की क्रिकेट टीम मस्जिद में नमाज पढ़ रही थी। हमले के वक्त मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए काफी लोग आए थे। अलनूर मस्जिद में हमले के वक्त 200 से ज्यादा लोग थे। न्यूजीलैंड पुलिस ने हमले के मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया, इसमें एक महिला और 3 पुरुष हैं। न्यूजीलैंड के पीएम जेसिंडा आर्डन ने फायरिंग को देश का सबसे काला दिन करार दिया। हमले की वजह से न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच होने वाला टेस्ट मैच रद्द कर दिया गया है। यूएन में आतंकी मसूद पर चीन के अड़ंगे की फ्रांस सरकार ने काट निकाली है। फ्रांस में जब्त होगी जैश ए मोहम्मद और उसके आकाओं की संपत्ति। आतंकी मसूद अजहर पर चीनी विदेश मंत्रालय का बयान आया है। चीन ने बयान में कहा कि मसूद अजहर पर मामले की विस्तृत जांच के लिए चीन और समय चाहता है। मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन के पास फुट ओवरब्रिज का एक बड़ा हिस्सा गिर गया, 3 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत हो गई, 35 से ज्यादा घायल हैं। घायलों का इलाज में अस्पताल चल रहा है। फुट ओवरब्रिज सीएसटी के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के उत्तरी छोर को बीटी लेन से जोड़ता है। महाराष्ट्र सरकार ने मरने वालों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। हादसे पर रेलवे और बीएमसी पर गैर इरादतन हत्या की एफआईआर दर्ज हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घायलों से मुलाकात की, उन्होंने कहा मामले में एफआईआर रजिस्टर हो गई है। हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया, उन्होंने लिखा घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, इसमें दिखाई दे रहा है लोग खुशकिस्मत थे कि उन्होंने ब्रिज गिरने से चंद सेकंड पहले ही पुल पार कर लिया था। क्रिकेटर श्रीसंत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने श्रीसंत पर लगा लाइफ टाइम बैन हटा दिया है। कोर्ट ने कहा मामले पर बीसीसीआई फिर से विचार करे, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड से 3 महीने के भीतर इस पर फैसला लेने को कहा। बता दें श्रीसंत पर 2013 आईपीएल के दौरान स्पॉट फिक्सिंग का आरोप लगा था। और वैसे उन्होंने बोला लाइफ बैन तो हट गया, तो इट्स ओनली 1 year 3 years or 5 years, वो ऑलरेडी 6 साल, तो 5 नहीं 6 साल होने वाला है, तो ऑलरेडी वो जो भी डिसीजन है वो खत्म हुआ है। अगर बड़े बड़े क्रिकेटर्स को हाईकोर्ट जब ऑर्डर देते हैं उनको परमिशन मिलता है, तो सिर्फ मेरे खिलाफ अलग डिसीजन नहीं होते, तो आई एम श्योर आई फॉट माई बैटल ऑल बाई माई सेल्फ। कालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। लालू प्रसाद देवघर दुमका और चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सजा काट रहे हैं। विपक्षी पार्टियों की ओर से फ्री और फेयर चुनाव के लिए पुख्ता व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर आज सुनवाई हुई। याचिका में ईवीएम से होने वाले चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए 50% तक वीवीपैट पर्चियों के ईवीएम से मिलान की मांग की गई है। चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर कोर्ट ने 25 मार्च तक जवाब मांगा है। दिल्ली में बिहार प्रभारी के आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल शनिवार को आ सकती है पहली लिस्ट। पूर्व कांग्रेसी नेता टॉम वडक्कन के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वडक्कन कोई बड़े नेता नहीं थे। मायावती पुराने गिले शिकवे भुलाकर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के लिए प्रचार करेंगी। मायावती 19 अप्रैल को मुलायम के गढ़ मैनपुरी में प्रचार करेंगी। यूपी में माया अखिलेश की संयुक्त रैलियों का कार्यक्रम तय हो गया है। मायावती और अखिलेश 7 अप्रैल को देवबंद में संयुक्त रैली की शुरुआत करेंगे। 8 अप्रैल को मेरठ लोकसभा सीट के लिए होगी संयुक्त रैली। बसपा के संस्थापक कांशीराम की जयंती के अवसर पर आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चुनावी अभियान जारी है। श्री डूंगरगढ़ में सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने पीएम मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर तंज कसा, उन्होंने कहा पीएम मोदी और वसुंधरा को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। आगे कहा बीजेपी 5 साल से गौ माता के मुद्दे को भूल गई है। उन्होंने अपनी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि यह सरकार 36 कौम की सरकार है। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी जनसभा को संबोधित किया, उन्होंने पीएम मोदी पर कटाक्ष किया।